देख सकते हो बहुत ही घटिया हालत हो रखी है, मतलब पूरा ख़त्म ही हो चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीके और हमारे इस यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरे पास अपाची 164 भी है, आज मैं उसके ऊपर कुछ काम करने वाला हूँ। बेसिकली जो उसका एयर फिल्टर आता है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। प्रॉपर एयर फिल्टर की बात की जाए तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। मैं प्रॉपर अपाची 160 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉपर चेंज करना पड़ता है 10,000 किलोमीटर पे, मतलब आपको 10,000 किलोमीटर पे ये एयर फिल्टर बेसिकली आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो मैंने करवाया था 22,000 किलोमीटर पे ये एयर फिल्टर मैंने चेंज करवाया था, वो भी सर्विस के टाइम पे शोरूम से ही करवाया था। और अभी गाड़ी के 34,000 किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब मुझे पता ही है कि हालत एयर फिल्टर की बहुत ही ख़राब निकलने वाली है। फिल्टर मैंने ये ला रखा है, पहले से ही एडवांस मैंने ला रखा है, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से TVS का सर्विस सेंटर जो पड़ता है टोटल 45 किलोमीटर मुझे सर्विस सेंटर पड़ता है, इसीलिए मैं एक काम से गया हुआ था तो मैंने ये एयर फिल्टर ला के रखा है। तो आज मैं फाइनली उसको चेंज करने वाला हूँ। और इस एयर फिल्टर की बात की जाए तो ये पड़ा मुझे 270 रुपये में, मतलब 217 रुपीस में ये मुझे पड़ गया है। और अगर आप घर बैठे TVS अपाची 164 का एयर फिल्टर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए ये स्क्रू ड्राइवर यही आपको चाहिए। आप घर बैठे आसानी से 2 मिनट में ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं ये एयर फिल्टर आप सभी लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि A few moments later. नया ऐसा ही दिखता है, ब्रांड न्यू एयर फिल्टर है वो, आप लोगों को ऐसा दिखेगा। और मतलब जो ख़राब हो चुका होगा उसकी हालत कैसी होगी वो मैं आप लोगों को निकाल के अभी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जो जो भाई अपाची रखते हैं उनको अगर ये एयर फिल्टर चेंज करना है तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर लीजिएगा, और पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बेसिकली एयर फिल्टर आता है सीट के नीचे, तो सबसे पहले आपको ये सीट खोलना पड़ेगा ऐसे घुमा के, और ये सीट खुल गया हमारा। एयर फिल्टर आता है ये यही जगह पे आता है, और ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मैंने खोल दिया है। अब ये स्क्रू एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है, और ये रहा, मतलब टोटल 4 स्क्रू हमें खोलने पड़ेंगे अगर एयर फिल्टर चेंज करना है तो। और यहाँ पे साफ लिखा है कि एवरी 12,000। मैं 10,000 इसीलिए बोला क्योंकि आप पहले ही करवा लो तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो गाइस, हमने फाइनली वो 4 स्क्रू खोल दिए हैं, अब बारी आई है उसको निकालने की। सकते हो आप, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, नया और पुराना। आप देख सकते हो फर्क कितना आ रहा है दोनों में, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मैं ये चेंज करवा रहा हूँ 12,000 किलोमीटर के बाद। तो गाइस, अब टाइम आ गया है नया फिल्टर डालने का। तो ये हमने नया फिल्टर डाल दिया है, अब सारा कुछ फिटिंग करना पड़ेगा फिर से।
तो दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आवाज़ कैसा है हम गाड़ी का आवाज़ चेक करते हैं, मतलब साउंड कैसा आता है वो हम चेक करते हैं। मतलब आप देख सकते हो पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा पर मैं रोज़ गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे अपनी गाड़ी की साउंड चेंज होती है तो पता ज़रूर से लग जाता है। A few moments later. और अगर आप समय सर एयर फिल्टर नहीं चेंज करवाते हैं तो उसके कई सारे नुकसान भी है, जैसा कि आपकी गाड़ी थोड़ी थोड़ी दबने लगती है, मतलब उतनी अच्छी पिकअप नहीं ले पाती है और आपका माइलेज भी बहुत कम हो सकता है एयर फिल्टर ना चेंज करवाने से। बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, मतलब इंजन में कचरा भी जा सकता है। मतलब 9000 किलोमीटर पे आप आसानी से करवा लो और गाड़ी के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाओ और बहुत अच्छा माइलेज पाओ। और ये आप हालत देख सकते हो, बहुत ही घटिया हालत हो चुकी है, मतलब पूरा ख़त्म ही हो चुका है। और ये एयर फिल्टर अगर थोड़ा सा ख़राब हो तो हम उसको एयर मार के साफ कर सकते हैं, पर ये तो पूरा ही ख़राब हो चुका है। इसीलिए अगर आपके भी एयर फिल्टर की हालत ऐसी है तो आपको भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर लीजिएगा। और कल मैंने एक वीडियो डाला था और एक ही दिन में 100+ व्यूज़ जा रहे हैं, मतलब रिटेंशन अच्छा आ रहा है। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो दो तीन दिनों में एक आधी वीडियो में ज़रूर से यूट्यूब पे डालता रहूँगा। और बहुत ही मेहनत लगती है भाइयों ये सब करने में, ये सब काम करने में। जितना आप इजी समझते हो उतना आसान नहीं है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप सभी लोगों की। तो वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, जो भी करना है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी करना है वो आप लोग कर सकते हो। और वीडियो में कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, कुछ गलत मैंने बोल दिया तो उसको भी दिल से सॉरी। मिलता हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।